ये दो रंग की ऊन का स्वेटर है और इसमें ऊन ज्यादा भी नहीं लगती है, बराबर की ऊन लगेगी क्योंकि एक दो सिलाई हमने हरी कर रखी है, दूसरी सिलाई हमने डिप कर रखी है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है। ये रीजन मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने ये दो रंग की ऊन ले ली है इसके शुरू में, तो फंदे सफेद बुने ये हरी वाली ऊन से तीन फंदे बुने हैं, एक शुरू में एक फंदा बुनना है, ये वाला जो लाइन हमारी ऊपर आएगी तो ये फंदा ये वाला लेना है, तो एक और ये बीच का ये दो तीन, अब इस वाले फंदे को बिना बुना उतारना, इसे बुनना नहीं है। तीन फंदे बुने एक सीधी सिलाई बुननी है, इसे बिना बिना उतारना है, ये हमने पहले बनाया था, ये तो बिना बिना उतार ले, एक दो तीन, ऐसे जैसे बुन ले। उल्टी सिलाई जैसे उतार ले, उनको पीछे ले जाए, ये जो तीन हमने सीधे बुने थे इसे उल्टे बुनने, सीधे बुनने, एक दो सीधे, इसे उल्टे नहीं बुनने, इसे सीधे बुनने है जो हमने सीधे बुने थे, और जो बिना बुना हुआ फंदा उतारा था उसे ऐसे उनको आगे करके ऐसे उतार ले, उनको इधर करें कि तीन फंदे सीधे बने, उनको आगे करें इसे ऐसे उतार लें, पीछे करें कि तीन फंदे सीधे बने, ये हमारी हरी रंग की ऊन का बना है, अब हम ये इसमें सफेद ऊन का करेंगे,
फिर बिना बिना फंदा उतारा था हमने इसे बुने, फिर एक तीन फंदे हमने जो हरे बुन रखे इसमें से शुरू का एक फंदा बुना, एक इस बीच वाले फंदे को दूसरे फंदों को ऐसे बिना बिना उतारना, फिर एक और ये वाला जो बिना बुना उतारा था फंदा इसे भी बुने, ये तीन और एक ही वाला फंदा, ये तीन फंदे सबित करने हैं, ये वाला फंदा बीच में आना, फिर इसे ऐसे उतारना, फिर तीन फंदे बुने, तो लास्ट के ये दो फंदे उल्टे से ले, उल्टे से ले में ऐसे होगा, ये फंदा बुन ले इसे ऐसे उतार ले इसे बुने, इस वाले फंदे को ऐसे उतारना उनको पीछे ले जाए, ये तो तीन सीधे बुने हुए हैं हमने, इसे सीधे बुने एक दो तीन, उनको आगे करें ऐसे बिना बुना उतारना, ठीक है, तीन फंदे सीधे बुने, ये हमारा दोनों अंगरेजन पड़ गया, ये इसी लाइन में सीधा बिना बिना उतारा है, रिजन इसमें उतारा है, ये हरे वाले में बिना बिना उतारा है, तीन फंदों का ये रिजन है।